वाली खबर के साथ करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जिले रद्द करने वाले बयान पर से उन्होंने यू टर्न ले लिया। मदन राठौड़ ने कहा कि हमारा काम संगठन का है, हम जिले बनाने और ना बनाने के काम में शामिल नहीं। साथ ही उन्होंने सफाई भी दी कि बीजेपी के कई संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दी कि अपना घर संभाले, हमारे यहाँ सब ठीक है। सुनिए। को लेकर के चर्चाएं थी और इसके अलावा जो भी बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं तो होती है। कुछ टीम में बदलाव को लेकर कई लोग भी एक बात मैं आपको बताऊं, आप कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। आप कोई वाहन चलाते हैं तो छोटी मोटी उसमें भी कमी आ जाती है, तो जोड़ तोड़ होता ही है, घटाने का काम कोई नहीं करना। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम बीजेपी के लिए हमेशा सिरदर्द रहा है। गांधी के नाम पर बीजेपी के पेट में दर्द होना जायज है, लेकिन उनके विदेश में बोलने पर बीजेपी को बोलने का हक नहीं। राहुल गांधी देश के नेता है, जनता की आवाज है, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। विदेश जाकर बोले तो भी बीजेपी विरोध करती है। सुनिए और क्या कुछ कहा। गांधी के बारे में देशभक्ति का हिसाब मत मांगो, क्योंकि बीजेपी के जो नेता राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे हैं ना, उनका तो खुद का चरित्र आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो इस लायक ही नहीं है। इसलिए कम से कम प्लीज, अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ना संविधान को मानती है, ना देश को मानती है, ना धर्म को मानती है, ना प्यार को मानती है। इसलिए बीजेपी को राहुल गांधी से सवाल पूछने का मतलब हक ही नहीं है। एक बात बताइए, यदि राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाएं तो देश का अपोजिशन लीडर यदि देश के बाहर देश के अंदर सवाल उठा रहा है और आप उसको ये कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जब शर्म नहीं आती कि आप यहाँ पे नाम नहीं लोगे किसी व्यक्ति का, तो यदि वो वहाँ पर अपने अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पर लोकसभा में, तो आप उनका माइक बंद कर देते हैं। और तो वो आदमी आप कह रहे हैं हम लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे, विदेश में जाओगे तो बोलने नहीं देंगे, भारत में नहीं बोलने देंगे। तो राहुल गांधी का ये अधिकार है एज ए अपोजिशन लीडर पूरी दुनिया में देश की सच्चाई अच्छाई, और यदि सरकार की कोई कमी तो सरकार की कमी बताने का मतलब ये नहीं कि देश कमजोर है। देश तो अपने आप में एक पावर है, जिस देश को बनाने में उनकी पीढ़ियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो, खून बहा दिया हो इंदिरा जी ने और महात्मा गांधी ने, उस राजीव गांधी जी ने, उससे आप कह रहे हो कि देश को तो मजबूत बनाने के लिए अपनी जान दे दी इंदिरा जी और राजीव जी ने, इसलिए राहुल गांधी से आप क्या करोगे कि देश को कमजोर करें, देश को तो मजबूत ही कर रहे हैं राहुल गांधी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले में हो रही बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा ने पानी बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक से पहले किरोड़ीलाल मीणा ने पुराने शहर का दौरा किया। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर अमेरिका में दिए गए बयान पर कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनका क्या। रुके हुए हैं, सीवरेज की समस्या है, कुछ नेशनल हाईवे हाईवाई जीपी और पीडब्ल्यू से रिलेटेड मुद्दे थे, कुछ गड्ढे शहर में ऐसे हो गए जहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उनको तुरंत प्रभाव से भरना। और चूंकि मैं आपदा देख रहा हूँ, तो आपदा में बाढ़ में जल भराव में जहाँ जहाँ किसी भी प्रकार का नुकसान हो गया, चाहे नहर का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे मकान का हो, जन हानि हो, सबको प्रपोजल भेजे जाए ताकि सरकार को बात कुछ खासी सुखी। तो राहुल गांधी के बयान पर किरोड़ीलाल मीणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं, उनकी बातों को क्या सोचना। और साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा एक्शन मोड पर भी नजर आए। आपदा प्रबंधन की उन्होंने बैठक ली और इस दौरान कई दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए। जल भराव के साथ ही टूटी सड़कों का भी जायजा लेने के लिए किरोड़ीलाल मीणा खुद अलग अलग जगहों पर पहुंचे और जायजा लिया। दौसा के सिकंदरा से बड़ी खबर, गुर्जर के निलंबन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाँ, क्योंकि ऐसा इसीलिए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि मुनेश गुर्जर निलंबन से नहीं बच सकती। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई से पहले महाधिवक्ता से भी राजशुमारी शुरू कर दी है।
मुनेश गुर्जर के निलंबन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि मुनेश गुर्जर निलंबन से बच नहीं सकती हैं। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई से पहले महाधिवक्ता से भी रायशुमारी कर चुकी है। आज देर शाम तक या कल सुबह निलंबन के आदेश जारी होंगे। एसीबी ने भले कोर्ट में अब तक चालान पेश ना किए हो, लेकिन यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा साफ संकेत दे चुके हैं कि महज 24 घंटे के भीतर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर नगर निगम हेरिटेज में नया कार्यवाहक महापौर नियुक्त कर दिया जाएगा। मुनेश गुर्जर के खिलाफ एसीबी को अभियोजन स्वीकृत देने के साथ ही पार्षदों में हलचल तेज हो गई। सरकार की तरफ से इस मामले में महाधिवक्ता से रायशुमारी की गई है। कल हमारे महाधिवक्ता जी से चर्चा हुई है और उन्होंने जो रास्ता बताया है, हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। शायद शाम तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे और मंजिल पर पहुंचते ही निलंबन के आदेश जारी। किसे महापौर नियुक्त किया जाएगा अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये पद ओबीसी महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा संकेत दे चुके हैं, इस बाबत पार्षदों से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही नाम भी सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्षद चाहते हैं कि महापौर उनकी पार्टी से हो, लेकिन हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि महापौर बीजेपी से होगा। नगर निगम को नरक निगम बनाने का जिम्मा कांग्रेस और कांग्रेस की मेयर का है। अब उसको भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का जिम्मा भाजपा का है कि नगर निगम बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जो पिछले 3-4 वर्षों से जनता त्रस्त है, पीड़ित है और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, वो विकास गति पकड़ेगा। यूडीएच मंत्री से मुलाकात करने वाले सभी पार्षद चाहते हैं कि महापौर मुनेश गुर्जर को हटाया जाए। इन सब के बीच प्रदेश सरकार ने ये संकेत दिए हैं, मुनेश गुर्जर को किसी भी वक्त निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में कौन होगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज का नया महापौर, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवाचार करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पूर्व की और हाल की भर्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव के तहत अब केवल लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन नहीं हो बल्कि हैंडराइटिंग टेस्ट, फिंगरप्रिंट जैसी प्रक्रिया से भी अभ्यर्थियों को गुजरना होगा। राजस्थान में युवा बेरोजगारों के हितों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने राजस्थान की सरकारी नौकरियों की भर्तियों को पारदर्शी बनाने की दिशा में नवाचार करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया अभ्यर्थी के लिए जरूर थोड़ी जटिल होगी, मगर भर्ती पारदर्शी होगी, इसका दावा चयन बोर्ड कर रहा है। दरअसल आरपीएससी की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती और चयन बोर्ड की पीटीआई, अध्यापक और पटवारी समेत कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी के मामले सामने आने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था से दस्तावेज सत्यापन में ही फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पकड़ में आ सकेंगे। सत्यापन में शक होने पर बोर्ड खुद जांच करवाएगा। प्रक्रिया को हम दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो इसमें कोई डमी अभ्यर्थी सिलेक्ट ना हो, उसके लिए हम कई सारी एक्शंस करेंगे, जैसे कि उस अभ्यर्थी की एक जो स्कैन फेस स्कैन ऐप होता है उसके जरिए उसके तमाम तरह तरह के जो फोटोज़ हैं जो उसने अपलोड की थी, जो उसने अटेंडेंस शीट पर लगाई थी, जो फोटोग्राफ उसके आधार कार्ड पर है, जो कि ई आधार कार्ड है, ना कि बल्कि उसका आधार कार्ड उसके ई आधार कार्ड पर है,
उसकी खुद की फोटो जब वो इधर को डीवी के टाइम पर आएगा और उसकी कोई पुरानी फोटोग्राफ्स, इन सबको हम ऐप के जरिए, स्कैन ऐप के जरिए मैच करेंगे। चयन बोर्ड की माने तो नए भर्ती कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने से शुरू हो रही सभी नई भर्ती परीक्षाओं में नए नियमों को लागू किया जा सकता है। नए 8 नियमों में आखिर क्या कुछ खास है, आइए एक नजर डालते हैं। नियम नंबर 1, दस्तावेज सत्यापन में आधार ऑथेंटिकेशन लागू होगा, साथ ही फोटो का भी मिलान किया जाएगा। नियम नंबर 2, हैंडराइटिंग का नमूना लिया जाएगा और परीक्षा के दौरान लिए गए हैंडराइटिंग के नमूने से मिलान होगा। अंतिम चयन के बाद फिर नमूना लिया जाएगा। नियम नंबर 3, चयनित के दस्तावेज, डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन ही करना होगा। नियम नंबर 4, फॉर्म में जो भरा है वही जानकारी मान्य होगी, इसमें किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं होगी, संशोधन के लिए केवल एक बार समय मिलेगा। नियम नंबर 5, खेल प्रमाण पत्रों की जांच पहले बोर्ड की कमेटी करेगी, फर्जी होने पर सीधे FIR दर्ज करवाई जाएगी। नियम नंबर 6, दिव्यांग प्रमाण पत्रों की भी मेडिकल बोर्ड से जांच होगी। नियम नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में SOG का सहयोग लिया जाएगा। नियम नंबर 8, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन चेक किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो फेस मैपिंग भी करवाई जा सकती है। भर्तियों में अब चयन बोर्ड दस्तावेज सत्यापन को लेकर प्रमाण पत्रों की जांच के लिए किसी एजेंसी पर निर्भर ना होकर खुद जांच करेगा और इस कार्य में सरकार के निर्देश पर SOG की मदद भी ली जाएगी। नए नियम मौजूदा माह से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर लागू कर दिए गए हैं। पूर्व में अब तक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई थी, जिससे फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र पकड़ में नहीं आ पाते, सत्यापन के बावजूद डमी और फर्जी नियुक्ति पाने में सफल हो जाते। ऐसे में राज्य सरकार बदलने के बाद भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। ट्रेन डीरेल करने के बड़े साजिश की करेंगे अजमेर में। ट्रेन डीरेल साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि अजमेर में एक नहीं बल्कि 2 मालगाड़ियों को डीरेल करने की साजिश रची गई, क्योंकि यही वजह है कि स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर 70 किलो के ब्लॉक रखे गए थे। इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर साजिश मामले में बड़ा खुलासा। 2 मालगाड़ी डीरेल करने की थी कोशिश। अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। IG के निर्देश पर गठित की गई SIT के हाथ फिलहाल खाली हैं। लेकिन अब तक की जांच में इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि साजिश सिर्फ एक मालगाड़ी को डीरेल करने की नहीं बल्कि 2 मालगाड़ी डीरेल करने की थी, और यही वजह है कि लबाना गाँव के पास 1 किलोमीटर पर 2 ब्लॉक रखे गए थे। स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए ब्लॉक से ये बात पुख्ता भी होती है, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही ट्रेनें सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। इसमें एक SIT का गठन किया गया था, तो हमने जाके मौके पर SIT के सभी लोगों ने जाके मौका देखा है। इन्वेस्टिगेशन SHO जो मांगलेवास हैं वो कर रहे हैं इसमें, और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे बात की जा रही है, और जो टेक्निकल एविडेंस है वो वहाँ से लिए जा रहे हैं। CCTV फुटेज, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे चूँकि दूर दराज का ग्रामीण इलाका है वहाँ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे, और इसमें भविष्य में जो भी आएगा वो आपको बताएंगे। अजमेर के सरादना बांगड़ गांव के रेलवे ट्रैक पर पत्थर किसने रखे, इसकी जाँच जारी है। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद गैंगमैन और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस एक्टिव रहे मोबाइल की लोकेशन का पता लगाएगी, उसी के आधार पर ट्रेस करके साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, हर एंगल से जांच करेंगे, ड्राइवर को और जो भी स्टाफ था वहां पे, वो सभी स्टाफ को बुलाएंगे, उनसे बात कर रहे हैं, हमने उनको लेटर दे दिया, उनको बुला रहे हैं हम। जो भी पहलू हैं, जो मानवीय जो सूचना है वो भी है, और जो तकनीकी पहलू हैं दोनों को हम लेके, और जो भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो बताएंगे। हमारे जो थाना स्तर के लोग हैं
जो हमारी स्पेशल टीम भी है वो थाने जो उन लोगों से गोपनीय तरीके से पता कर रही है उनसे बातचीत कर रही है। भारतीय रेल पर लगातार हो रहे हमलों से शक गहराता जा रहा है। आखिर भारतीय रेल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अलग अलग प्रदेशों में हो रही घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इस मामले में SIT अपनी जांच कर रही है और जो संबंधित थाना अधिकारी हैं उनको जो है वहां पर लगाया गया है। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ साइबर सेल की टीम भी जो है इसमें लगी हुई है और किसी न किसी तरह का साक्ष्य इसमें जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इस तरह की हरकत करने वाले, जो बेपटरी इस ट्रेन को करने वाले जो लोग थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन कुलश सेन के साथ अशोक सिंह, News18 अजमेर। और अब बात लुटेरी हसीनाओं की जो जेल जाएंगी। जी हां, देश भर में महिला अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर आक्रोश है। ऐसी महिलाओं और युवतियों से उत्पीड़न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठती रही है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन्हीं महिला कानूनों की आड़ में मोटी रकम वसूलने के लिए दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां देकर ब्लैकमेलिंग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हनी ट्रैप का मोहक खेल, हसीनाएं जाएंगी जेल। पहले की लाखों की डिमांड, अब कानून की रिमांड। राजधानी जयपुर में पुलिस ने ऐसी शातिर महिलाओं की कुंडली कंगालना शुरू कर दिया है, जो कि लोगों को लिफ्ट देने के बहाने या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके हनी ट्रैप का शिकार बनाती है। ऐसा इनिशिएटिव किया है जयपुर के वेस्ट जिले की पुलिस ने, जिन्होंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड खंगाला और ऐसी 19 महिलाओं को चिन्हित किया जो कि विभिन्न थानों में दो या दो से ज्यादा दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। बेशक खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है, लेकिन ये वो चेहरा तो कतई नहीं जिस पर दिन का चैन और रातों की नींद हराम की जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस लड़की पर इसके जाल में फंसे लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हाल ही में जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप के आरोप में दो युवतियों को गिरफ्तार किया, जो न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि प्रदेश के बाहर भी लोगों को अपना शिकार बनाती थी। एक आरोपी भावना ने दुष्कर्म छेड़छाड़ के 14 मुकदमे जयपुर में दर्ज कराए थे, जबकि दूसरी आरोपी त्रिशा राठौर उर्फ त्रिशा खान भी अलग अलग लोगों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। इनकी जो मोटस ऑपरेंडी मुख्यतः रहती है वो ये रहती है, किसी व्यक्ति से लिफ्ट के बहाने या सोशल मीडिया के बहाने या अन्य माध्यम से उनसे बात करना, उनसे संपर्क करना, उनके साथ में कहीं पे चले जाना और उसके बाद में मुकदमे का डर दिखाकर उनसे वसूली करना। तो इस तरह गरिमा हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस थाने में परिवाद देकर या मुकदमा दर्ज करवाकर उनसे वसूली करने का प्रयास करती है। हनी ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण मानवीय कमजोरियां या फिर मूर्खता होती है। एक चीज ये भी है कि इन चीजों का पढ़ा लिखा होने या किसी गंभीर जिम्मेदार पद पर बैठे होने से कोई वास्ता नहीं है। हनी ट्रैप का शिकार वही होता है जिसके पास या तो पैसा है या फिर इंफॉर्मेशन। हनी ट्रैप में फंसाने वाले लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना शिकार ढूंढते हैं। वे अपने शिकार के बारे में जानकारी जुटाते हैं और फिर उनसे संपर्क करते हैं। कई लोग अनजान लोगों से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर लेते हैं, फिर कहानी दोस्ती प्रेम से होकर ब्लैकमेलिंग तक पहुंच जाती है। बहरहाल अब जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आई इन लड़कियों का फरेब समझिए। ये कुछ शातिर महिलाएं किसी अजनबी वाहन चालक से गाड़ी में लिफ्ट लेने के बहाने सोशल मीडिया या दूसरे किसी बहाने संपर्क कर नजदीकियां बढ़ाती है, फिर झूठे रेप और छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलती है। रुपये नहीं देने पर महिला गरिमा हेल्पलाइन या फिर थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज करवाती है। पिछले 2 महीने में हमने लगभग 2 ऐसी महिलाओं को अरेस्ट किया है जिन्होंने लगभग दर्जनों मुकदमे, दोनों महिलाओं ने अलग अलग थानों में दर्ज करवा रखे थे, जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोप भी प्रमाणित नहीं हुए। वैशाली थाने ने अभी एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने लगभग दर्जन के आसपास रेप इत्यादि धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए।
जिसके खुद के खिलाफ भी लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं। जयपुर पुलिस ऐसी शातिर लड़कियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान में पुलिस को पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए डीसीपी पीड़ितों से आगे आकर रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आप खुलकर इन लोगों के खिलाफ सामने आए, इनके खिलाफ मुकदमा दें, हम कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे, और अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे तो इनका ये जो अवैध धंधा चला रखा है ये लगातार चलता रहेगा। डीसीपी की अपील, पीड़ित घबराने के बहाने शिकायतें, ऐसे में डीसीपी अमित कुमार ने ऐसी शातिर महिलाओं का शिकार हुए लोगों से अपील भी की है कि वे ऐसे मामलों में सामने आए, इन शातिर महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करवाएं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी दें, जो कि महिला संबंधी कानून का दुरुपयोग कर रुपये ऐंठ रही है। जब इनकी ग्रीमा हेल्पलाइन की शिकायतों का, जैसे वैशाली थाने में जिस आरोपी महिला को अरेस्ट किया गया है, तो इसने वैशाली थाने में ही दो इस तरह की शिकायतें पहले दी हुई हैं, इसी महिला ने बुराड़े में भी इसी तरह की शिकायतें दी हुई हैं। हमने जयपुर पश्चिम के समस्त थानों के पिछले 10 साल के जब रिकॉर्ड को खंगाला तो ऐसी 19 महिलाएँ थी जिन्होंने दो या अधिक प्रकरण अलग अलग थानों में रेप इत्यादि धाराओं में दर्ज कराए हैं। इस तरह जो मुकदमों की प्रकृति की समीक्षा की गई तो ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें वसूली के संभवतः प्रयास किए। आजकल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल भी इस तरह के फ्रॉड के लिए धड़ल्ले से हो रहा है, इसलिए डेटिंग ऐप को लेकर भी कुछ सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, मुनेश गुर्जर का मेयर पद से निलंबन से जुड़ा मामला, जिसे लेकर अपडेट मिल रहा है। उप निदेशक क्षेत्रीय विनोद पुरोहित ने आदेश जारी कर दिए हैं, 3 दिन में यूडीएच को जवाब देने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में मुनेश गुर्जर को सुनवाई के लिए अंतिम मौका दिया गया, इससे पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और ये अंतिम नोटिस है मुनेश गुर्जर को, और सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। फिलहाल